नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना 2024 में यदि आपका पंजीयन हुआ है और आपको जो है दोस्तों उसका जो प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त हुआ है, तो वो प्रमाण पत्र आप अपने बिना एप्लीकेशन नंबर के कैसे ऑनलाइन डाउनलोड करोगे फ्री में, उसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यदि 2024 में आपका मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना में आवेदन हुआ है और आपको प्रमाण पत्र नहीं मिला है, तो उस स्थिति में आप घर बैठे अपना लाडली लक्ष्मी योजना का जो प्रमाण पत्र है वो फ्री में कैसे डाउनलोड करोगे, उसके लिए आपको क्या दस्तावेज लगेंगे, तो उसके लिए आपको दोस्तों सबसे पहले मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2.0 का जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पर आपको आना है। ये वाले पोर्टल की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप डायरेक्ट ये वाले पोर्टल पर आकर आप अपना लाडली लक्ष्मी योजना 2024 का जो सर्टिफिकेट है प्रमाण पत्र वो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको छात्रवृत्ति प्रपत्र के बाद में एक प्रमाण पत्र का ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक करेगा तो सिंपल से इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो एक नई टैब खुलकर सामने आएगी। यहाँ पर आपको पंजीयन क्रमांक या समग्र आईडी पूछा जा रहा है। तो आपने लाडली लक्ष्मी योजना में आवेदन किया है, आपके पास पंजीयन नंबर है, तो आप पंजीयन नंबर दें, या फिर जो भी लड़की का आपने लाडली लक्ष्मी योजना में आवेदन किया उसका जो समग्र आईडी है वो समग्र आईडी यहाँ पर आपको देना है। दोनों में से जो भी आपके पास उपलब्ध है वो यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद में जो कैप्चा कोड यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर आपको देना है और कैप्चा कोड देने के बाद में सिंपल से देखे का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप देखे वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा, जिसमें आपको सबसे पहले आवेदन नंबर, उसके बाद में लाडली समग्र आईडी, उसके बाद में लाडली का नाम, उसके बाद में पिता का नाम, माता का नाम, जो भी जन्मतिथि और जन्मतिथि दिखेगी, उसके बाद में परियोजना कार्यालय जहां से आपको प्रमाण पत्र बनाया यानी कि जारी किया गया वो दिखेगा, उसके बाद में आवेदक का मोबाइल नंबर दिखेगा यानी कि माता पिता का जो भी मोबाइल नंबर दिया था मोबाइल नंबर दिखेगा, उसके बाद में कौन सी तारीख को स्वीकृत हुआ है वो तारीख यहाँ पर आपको दिखेगा, उसके बाद में स्थिति जो आवेदन स्वीकृत किया गया है कुछ इस तरीके से दिखेगा, उसके बाद में एक प्रमाण पत्र देखे का ऑप्शन दिख रहा है तो सिंपल से आपको प्रमाण पत्र देखे का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको एक प्रमाण पत्र शो होगा जो कि पीडीएफ में रहेगा, मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग, उसके बाद में लाडली क्रमांक दिखेगा, उसके बाद में यहाँ पर दिनांक दिखेगा, इधर जो भी लाडली की माता के साथ में फ़ोटो थी जो ऑनलाइन हुई थी वो फ़ोटो यहाँ पर आपको दिखेगी, उसके बाद में लाडली लक्ष्मी योजना दिखेगी, उसके बाद में आश्वासन प्रमाण पत्र यानी कि प्रमाण पत्र यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखेगा, उसके बाद में मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना नियम 6(3) के अधीन यहाँ पर लाडली जो भी लक्ष्मी का नाम है, बच्ची का नाम है दिखेगा, माता का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि दिखेगी और उसका जो पता है पता यहाँ पर आपको दिखेगा। उसके बाद में स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कुल राशि रुपये जो मिलना है लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत वो राशि यहाँ पर आपको दिखेगी, जिसमें कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर आपको 2000 रुपये दिए जाएंगे, उसके बाद में 9वीं में प्रवेश लेने पर 4000 रुपये, 11वीं में प्रवेश पर 6000, 12वीं में प्रवेश पर 6000, इस तरीके से आपको राशि दी जाएगी। और स्नातक व्यावसायिक पाठ्यक्रम न्यूनतम अवधि 2 वर्ष में प्रवेश लेने के लिए 25000 दो किस्तों में एवं 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 1,00,000 रुपये, परंतु यह कि लाभ शासन द्वारा विहित आयु पूर्ण होने हो जाने के पश्चात विवाह करने और कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने के अधीन होगा। स्वावलंबी बालिका सशक्त समाज का आधार, कुछ इस तरीके से जो राशि मिलना है 1,43,000 वो कब कब कितनी राशि मिलेगी उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, डाउनलोड फाइल पर आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद में दोस्तों ये प्रमाण पत्र आपको रंगीन प्रिंट निकालना है और जहाँ से जो प्रमाण पत्र जारी हुआ महिला बाल विकास विभाग में वहाँ पर जाना है, और वहाँ पर जाने के बाद में जो भी अधिकारी है उनके से सील सिग्नेचर आपको यहाँ पर करवा लेना रहेगा। सील सिग्नेचर करवाने के बाद में जो प्रमाण पत्र दोस्तों आपको संभाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है, ताकि जब इसकी आवश्यकता जहाँ पर लगेगी वहाँ पर आपको ये देना अनिवार्य रहेगा। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना 2024 में आपका पंजीयन हुआ, आपको प्रमाण पत्र नहीं मिला, तो आप अपना प्रमाण पत्र इस तरीके से घर बैठे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना,
हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।